आप सब लोग सोचते होंगे कि मैं बार बार आप लोग के सामने आके गालियाँ खाती हूँ। कुछ लोग तारीफ़ करते हैं, कुछ लोग गालियाँ देते हैं, पर जो गालियाँ देते हैं उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि कितने साल की एक जर्नी है इस औरत की, जिसने अपना वक्त, अपना टाइम, सब कुछ दिया है। और वो स्पेशली मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ। पर एक शख्स जो एक पावरफुल प्लेस पे है, पावरफुल एक जगह पे है, वो अपने पावर से, अपनी चीज़ों से मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाह रहा है। और बहुत आसान है उसके लिए, उसके पास पावर है, उसके पास पैसे। जब भी उसके खिलाफ कोई कंप्लेन, आज तक वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने नहीं लिया, जबकि मैंने 6 कंप्लेन किया हुआ है। 6 कंप्लेन में इतनी सीरियस एलिगेशन तक लगाए हुए हैं, जो कि मैंने खुद दिया हुआ है कि यदि आप मेरे साथ शादी में नहीं थे और आपके हिसाब से मैं लिविंग में थी, तो इतने साल से आप मेरे साथ जो कर रहे थे वो गलत है, तो इससे तो आपका रेप केस बनता है। और इतना सीरियस एलिगेशन लगाने के बाद वर्सोवा पुलिस इसके अगेंस्ट कुछ भी कंप्लेन नहीं ले रही है। और इसके अलावा हमने 6 कंप्लेन और दिया हुआ है, हालांकि उसका भी कुछ नहीं हुआ है। मेरे वकील जब उनसे साइन लेने आते हैं तो उनको अंदर आने नहीं दिया जाता है। अंदर तो छोड़िए, बंगले के दूर दूर तक जो 8 से 10 गार्ड बैठा के रखे हुए हैं मेरी चीज़ों को नज़र रखने के लिए, चारों तरफ कैमरे लगा के रखे हैं कि मुझसे कोई मिलने ना आए, मेरा कोई खाना ना देने आए, मेरी कोई चीज़ें ना आए अंदर। हाँ, हालांकि बच्चों की आ जाती है, बच्चों के साथ चूँकि उनके होने से मेरी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें। एक आदमी इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि एक औरत को अपने ही घर पे, चूँकि उससे वो बात करने आई है और अपनी एक हक की बात करने आई कि भाई मुझे बताओ आप, मैं जिस तकलीफ़ में मैं गुजर रही हूँ उससे मैं बात करने आई हूँ, और उसके ना होने पे उसकी मेरी मदर इन लॉ ने मेरे खिलाफ़ एक FIR कर दिया। रात के टाइम पे अचानक पुलिस आ गई, 12 बजे रात को, और रात के 3:30 बजे तक FIR लिखी जाती है मेरे लिए, और सब का रिकॉर्ड है, मैंने सब रिकॉर्डिंग की है, किस वक्त पुलिस गई है, किस वक्त रात को आई है। और अचानक फिर मुझे टॉर्चर किया जाता है कि आप गलत काम कर रहे हो। मैं घर पे अपने पति के घर आ रही हूँ और कोई गलत काम करूँगी, मैं किसका क्या बुरा करने आई, सब कुछ है मेरे पास में प्रूफ कि मैं यहाँ पर क्या करने आई थी। हालांकि इन्होंने जिस तरीके से मेरी हालात और जिस तरीके से चीज़ें बनाई है, वो आप लोग को अंदाज़ा नहीं होगा। आप लोग कुछ कमेंट्स मुझे आते हैं, जिस तरीके से मुझे गालियाँ आती हैं, मुझे कोई इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पर फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि एक बच्चे की माँ हूँ मैं, जो अपने बच्चों को पाल रही हूँ, बहुत ही बहुत अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करने की कोशिश कर रही हूँ। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क इस चीज़ का पड़ता है कि जब उसको गाली दी जाती है, उसके कैरेक्टर पे उसको गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है। आप लोग का कहना है, बहुत सारे लोग का कहना होता है कि मैं नवाज़ के पैसे के लिए आई हूँ, नवाज़ की प्रॉपर्टी के लिए आई हूँ। या आपको तो पता ही नहीं यार, मेरे अकाउंट में आज भी 0 बैलेंस है, 0 बैलेंस। आप जानते हैं यदि एक आदमी 8 से 10 करोड़ रुपए अपने चार्ज करता है, एक फिल्म का लेता है और उन साल में 2 से 3 फिल्में करता है, उसकी पत्नी के अकाउंट में 0 बैलेंस है। मैंने कभी कंप्लेन नहीं की इससे, मेरी शिकायत इतनी रही है कि जितनी ज़रूरत है उतनी भी आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो आपका होना किसी लायक मेरे जीवन में नहीं है। मेरे बच्चों की ज़रूरतें, मेरी खुद की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं किया। आज मैं 12 साल बाद बोलने पे मजबूर इसलिए हो रही क्योंकि मेरे हालात उसने मेरे इस तरीके से बना दिया है कि मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। इस घर से यदि मैं जाती हूँ तो बाहर मैं रोड में कहाँ जाऊँ, जहाँ मैं होटल में अपना अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं होटल में किराया नहीं दे सकती हूँ, जहाँ खुद मेरी और हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है, जो हम दोनों ने जॉइंट पे उसने लेके दिया था, उस पे किराए वाले लोग रहते हैं, 2 साल का लॉकिंग पीरियड है, तो मैं बच्चों को लेके किधर जाऊँ, किस जगह पे जाऊँ, आप लोग बताइए मुझे। और मैं क्या गलत कर रही हूँ यदि मैं अपने पति के घर आई हूँ ना? तुम दुबई के बोलते हो, आज लोगों के सामने बोल रहे हो कि दुबई का मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा। अरे दुबई का तुम बिजली का बिल भर नहीं पा रहे हो, वहाँ की AC कट गई है, वहाँ का रेंट नहीं भर पा रहे हो, तो वहाँ रेंट नहीं भर पा रहे, बिजली की लाइट कट गई है, तुम्हारे वाईफाई का बिल कट गया है, फ़ोन बिल, इतने सारे बिल हैं, बेटी के बिल है, मेरे बिल है, मेड के बिल है, बिल नहीं भर पा रहे हो आप। किस क्या सोच के दुबई भेज रहे हो आप? पहले आपके पास वो चीज़ तो होनी चाहिए ना, गुंजाइश तो होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं।
जब आप उस चीज को उस वो चीज कर ही नहीं पा रहे हो तो क्यों आप दुबई भेजे हो, क्यों दुनिया को दिखाना चाह रहे हो आप महान एक्टर हो, बहुत बड़े एक्टर हो, तुमने गांव से पढ़े तो बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हो। अरे पहले संस्कार तो अच्छे दे दो, अपने बच्चों को संस्कार तो अच्छे दे दो। ना एक अच्छा इंसान बन पा रहा है वो, ना एक अच्छा बाप बन पा रहा है। मेरी बस आपसे एक विनती है, और हाँ मैं सबसे बड़ी ये विनती करना चाहती हूँ, यदि ये वीडियो महाराष्ट्र के सीएम साहब, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, यदि आप तक ये वीडियो पहुँच जाए तो ये जो पावरफुल आदमी है जिस तरीके से मेरे पर अत्याचार कर रहा है, जो कि वर्सोवा पुलिस स्टेशन से लेकर हर आदमी मेरी कोई कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं, जिस तरीके से मुझे परेशान कर रहे हैं, तो आप एक बार इस चीज़ पे नज़र ज़रूर डालें, क्योंकि ये एक माँ की लड़ाई है जो 12 साल से अपने बच्चों को लेके एक सिंगल हैंड पालती आई है, और मेरे बच्चे मुझसे छीनना चाह रहा है, और मैंने इतने सीरियस एलिगेशन लगाने के बाद भी कोई कंप्लेन नहीं ली रहे। तो मेरी आपसे बस विनती है,